हाय गाइस, कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ आज से होंगे। दोस्तों, कभी कभार आपने आईफोन को किसी मॉडल को आप फ्लैश कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, तो ये अनेबल टू रिक्वेस्ट SSH एरर ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करें। फिलहाल आपको पहले क्या करना है कि आपको जो डिवाइस है, आईफोन का डिवाइस है, उसको आप किसी भी मोड में लगा दीजिए। जैसे कि DFU मोड हो गया, रिकवर मोड हो गया, नहीं तो प्लेन मोड पे किसी मोड लगा दीजिए। यहाँ पे आई डिवाइस पे वो डिवाइस शो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, कोई सा भी आप ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे लिखिए SSH.host, वाला जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो पेज खुल के आया है, इसको यहीं पे आपको देना है क्या है, पहले ECID देना है। ECID आपको कहाँ मिलेगा, तो उसको मिनिमाइज कर दीजिए। वहीं पे जहाँ पे ID पे शो कर रहा था, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ECID, यहाँ पे जो ECID को इसको क्लिक कर दीजिए, ये कॉपी हो जाएगा क्लिपबोर्ड पे। तो सिंपल उसके जाइए, उसके अंदर यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, हो गया। उसके बाद डिवाइस सिलेक्ट कर लीजिए, ये रहा हमारा डिवाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। वेरीफाई कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए रिक्वेस्ट APT के, इसको क्लिक कर दीजिए, ये आपको प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए सब सक्सेसफुली, ये मतलब हो गया। अगर आप इसको दोबारा फ्लैशिंग करेंगे तो ये वाला एरर नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे वो जो दिखा रहा है, इसी वर्सन को आपको फ्लैश करना है, ना कि उसके कम ना है, उसके ज़्यादा तो नहीं आएगा। उसके कम वर्सन प्लस करेंगे तो नहीं होगा। इसी वर्सन आपको 13.7 जैसे मेरे दिख रहा है, वही वर्सन आपको प्लस करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो पता है आपको, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।